गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। और कैसे हैं तुम? अच्छे। आज हम इस क्लास में सीखने जा रहे हैं, एक नाटक दिया गया है कक्षा 5 की पाठ का, जो आपने बुक है उसमें दिया गया है। कौन सा नाटक है? अंधेर नगरी। यस, उसका नाम है अंधेर नगरी। इस नाटक ये नाटक बहुत ही मजेदार है। इसमें कई बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई गई। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, सीखने को मिलेगा कि इसमें क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, और फाइनली देखेंगे कि गलती किसकी थी और सजा किसको मिल गई। इसमें क्या होगा कोई बता सकता है? अंदाजा आया आपको इस गाने में क्या होने जा रहा है? क्या होगा बताओ राजा? इसमें देखो सर, राजा को फांसी हो गई। हाँ, इसमें राजा को फांसी हो गई, लेकिन गलती उसकी नहीं थी। इसके बारे में एक रिवीजन कर लेते हैं, फिर इस कहानी को नाटक को जानेंगे। देखिए, सबसे पहले नाटक का नाम है अंधेर नगरी, और इसे लिखा है भारतेंदु हरिचंद जी। ठीक है, इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिचंद। इसी नाटक से थोड़ा सा ये संक्षिप्त रूप इसे दिया गया है, मतलब एक छोटा सा अंश है इस नाटक। तो इनके अन्य भी रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं इसमें? कौन कौन सी रचनाएं हैं इसके अलावा? भारतचंदी, अंधेर नगरी, सुलेचंद। अब मेरे साथ दोहराएंगे। देखिए, सबसे पहले कौन सी है? भारतचंदी। भारतचंदी, बहुत बढ़िया। दूसरी? अंधेर नगरी। पहली भारतचंदी, दूसरी अंधेर नगरी, तीसरी चन्ना, चौथी? चौथी कौन सी है? दूसरा चंद। और पांचवी कौन सी है? इस तरीके से इन्होंने देखो कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, और ये 500 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके सिलेबस में पूछी जाएंगी। इसके अलावा जो भी हमारे शिक्षक बनने की परीक्षाएं हैं या अन्य जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, वहां पर भी ये रचनाएं पूछी जाती हैं। इसलिए आप उनको आप अभी से याद करो तो आपकी आदत में आ जाएगा। ठीक है, इस नाटक के बाद जैसे हम इसकी बात करते हैं, इसमें कितने पात्र हैं? 17। सत्रह पात्र हैं इसमें। कितने हैं? 17। और ये कौन कौन से हैं? नंबर एक समझेंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं।